हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में इंडस टावर्स एलईडी शेयर के बारे में बात करेंगे। जो शेयर का प्राइस है वो 191.95 रुपये है और इस शेयर ने अब तक 0.68% के रिटर्न दिए हैं। वहीं 5 दिन पहले देखें तो शेयर में 4.60% की गिरावट आई है। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में आप देख सकते हैं शेयर में 4.67% की गिरावट आई है। 6 मंथ की बात करें, 6 मंथ में शेयर से 9.14% के नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। ईयर टू डेट में शेयर से 22.87% के नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। वहीं अगर हम मैक्स में ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में जो शेयर है उसने 16.96% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। शेयर के बुक वैल्यू, फेस वैल्यू और बीटा की बात करें तो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। शेयर के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 सालों से अभी 1 वीक तक जो शेयर के रिटर्न्स है वो माइनस में चल रहे थे और आज इस शेयर के रिटर्न्स पॉजिटिव देखने को मिले हैं। लेकिन आप चाहे तो इस शेयर को होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि जो शेयर है उसके रिटर्न्स अभी माइनस में चल रहे हैं, लेकिन आज जो शेयर के रिटर्न्स है वो पॉजिटिव देखने को मिले हैं। अगर आपका मन है शेयर को होल्ड करने का लॉन्ग टर्म के लिए तो आप होल्ड कर सकते हैं, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। शेयर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखें, जो इसका पहला सपोर्ट है वो 189.17 रुपये है, दूसरा सपोर्ट 187.68 रुपये है, तीसरा सपोर्ट 185.47 रुपये है। इस शेयर का पहला रेजिस्टेंस 192.87 रुपये है, दूसरा रेजिस्टेंस 195.08 रुपये है, तीसरा रेजिस्टेंस 196.57 रुपये है। शेयर के बल्क डील की बात करें तो 2 दिसंबर 2020 को कंपनी के 2.47% शेयर है उनकी परचेसिंग हुई थी और 24 फरवरी 2022 को 2.36% शेयर है उनकी सेलिंग हुई थी और 24 फरवरी के बाद इस शेयर में कोई भी बल्क डील देखने को नहीं मिली है। शेयर के शेयर होल्डिंग की बात करें, जो प्रमोटर है उसके पास 69% की शेयर होल्डिंग है, FII के पास 26.5% की, DII के पास 2.92% की और पब्लिक के पास 1.57% की। इस शेयर के ज़्यादातर शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है और जो सबसे कम शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है और बाकी उससे थोड़ी ज़्यादा शेयर होल्डिंग जो है FII और DII के पास है। लेकिन इस शेयर की जो ज़्यादातर सबसे लार्ज क्वांटिटी में जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के हाथों में है।